बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के वास्तेजी पचौड़ा सड़क किनारे बीते 15 जनवरी को अवैध शराब व्यवसायी ओम प्रकाश की गला रेतकर हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड के उद्भेदन के बाद मीडिया से बात करते हुए बोकारो के सिटी DSP कुलदीप कुमार ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में वर्चस्व कायम करने को लेकर शराब व्यवसायी ओम प्रकाश की हत्या हुई। इस हत्याकांड में कुल 4 लोग संलिप्त हैं, जिनमें से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है और 1 फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आम में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि ओम प्रकाश गोसाई नाम का व्यक्ति जो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त था और जगह जगह सिटी एरिया और शहर के क्षेत्र कई जगह में गुमटी और शराब के दुकान में महुआ शराब की चुलाई जो होती थी उसको वो बेचता था। वह जो है छोटू मोदी और संतोष मुर्मू का पूर्व में स्टाफ रहा है और उसके साथ ही मिलकर उसके जो चुलाई होती थी उसको खरीदता था और वो बाज़ार में जाकर बेचता था। लेकिन विगत कुछ महीनों पहले छोटू मोदी और संतोष मुर्मू जो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त थे और बनाते थे, उन लोगों में कुछ विवाद हुआ और दोनों एक दूसरे का सूचना देकर एक दूसरे को जेल भिजवाने का भी काम किए थे, जिसमें कि इन लोगों में आपसी मनमुटाव था और संतोष मुर्मू का जो अवैध शराब की चुलाई का धंधा था वो उसमें खराब हो गया, वो विनष्ट कर दिया गया पुलिस के कार्रवाई के कारण और उसकी गिरफ्तारी होने से, जिसमें कि संतोष मुर्मू के मन में मनमुटाव था तो छोटू मोदी के साथ वह फिर काम करना शुरू कर रहा था, लेकिन छोटू मोदी जो था वो उसको अपने अंडर में ही रख काम करवा रहा था स्टाफ के रूप में, जिससे कि संतोष मुर्मू के मन में एक गुस्सा था और एक खुन्नस की भावना थी उसमें। और जो ओम प्रकाश गोसाई जो मृतक है वो छोटू मोदी का मुख्य विक्रेता था, जो खरीद कर ज़्यादा माल खपाने का काम करता था, जिससे कि संतोष मुर्मू और ज़्यादा गुस्सा उसके मन में था। और संतोष मुर्मू जो यहाँ का निवासी है वास्ते जी का, तो इसका भी बहुत सारे कस्टमर्स को छोटू मोदी के द्वारा भी कवर कर लिया गया। तो संतोष मुर्मू से ओम प्रकाश गोसाई बीच में बात करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी इसकी। तो 15 जनवरी 2023 को छोटू जो ओम प्रकाश गोसाई को संतोष मुर्मू अपने सहयोगियों के साथ उसे बुलाया किसी बहाने से और पचौड़ा के रास्ते उसे ले गया। ले जाने के बाद एक सुनसान झाड़ी नुमा जगह है वहाँ पे उसे बुलाया और वहाँ पे लोग गांजा और चाय वगैरह भी काफ़ी पान किया है और उसकी सभी 4-5 लोगों ने मिलकर इसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जो मृतक है उसके शरीर पे कई जख्म के निशान हैं जो धारदार हथियार से हैं और उसके गर्दन को धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य आरोपी संतोष मुर्मू, सफ़ी अहमद और अर्जुन राम की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने अपने स्वीकृति बयान में पूरे घटनाक्रम को बताया है, स्वीकार किया कि हम लोग के द्वारा यह घटना कारित की गई है। और एक अन्य सहयोगी जो है इसके उसका अभी बचा हुआ है जो कि उस घटना में संलिप्त था, जिसे बाद में हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद फिर सूचित करें। पूर्व में जो संतोष मुर्मू है शराब के कई कांडों में, अवैध शराब के कांडों में जेल गया है। सफ़ी अहमद भी अवैध शराब के साथ पकड़ाया था, उसमें वो जेल गया है। अर्जुन राम जो है वो चोरी के कांड में 5-6 कांड में जेल गया है और एक पोक्सो के मामले में जेल वो गया है और जिसमें वो चार्जशीटेड है। गिरफ्तारी इन लोगों की अपने अपने क्षेत्र से ही हुई है।